जो बीजा ही बढ़ना। इस तो कुरान पाक ऐलान कर करके दवाई दे दे के आंदा समझ जा, अरे भी अल्लाह तला की बड़ी मेहरबानी भी उन्हें तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया। इमाम जैन अब्दीन रहमतुल्लाह फरमाते एकदम वड्डा भी रब ने कर्म किया कि इन्ना कुछ असी बेड़ा गर्क कर लेने तब भी आंदा भी बाज आ जा तो माफी मंगा। ये बाद भी कोई उस दरवाजे वाल नहीं आता, आप आवाजा दिखा नहीं तो माफी लोग आप मिन्नत कर दे, वो आप सदा तो माफी मंगला तेरी जान छुट जाए, नहीं आया इस पासे कोई नहीं आया। हालांकि माफी मंगने अल्लाह ताला ने बड़ा खुला हौसला रखे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जरा वाकया सुनाया, खुदा की रहमत बहुत बड़ी है, मगर कुछ ढूंढे से देखो उसने 99 कतल कर दिते। मुड़ के दिल से ख्याल आया बहुत मंदा काम किया, की बनूंगा। उन्हें आखा कोई आलम है वड्डा, लोगों ने दसिया आलम को आलम निकलिया जालम। उन्हें आख्या एक कतल ही नहीं माफ होना, तू 90 माफ करूंगा फिर कोई चारा नहीं। उस आख्या नहीं चारा दे, चलो सेंचुरी पूरी कर दिए 100 ही पूरा कर, उन्होंने भी कतल कर। और बाद फिर आलम का पूछा तो दसिया, तो उस आलम को गया तो उन्हें आख्या बेवकूफ आदमी सी, खुदा की रहमत थोड़ी नहीं तो गुना दुनिया जहान दे होना। मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह फरमाउंदा जी सारे जान दे गंदे कपड़े ले जाके समुंदर सिर दिए, समुंदर नहीं पलीत हुंदा कपड़े साफ हो जांदे। अल्लाह की रहमत ऐसी है बहुत वड्डी रहमत, कोई उधर आवे अल्लाह आप आवाज़ा मारे तो ना सुनी। मगर उस आलम ने आख्या हुण तेरी तौबा की सच्ची होण की निशानी है, वो पिंड छड़ जा, जिस पिंड तू रहिंदा ना वो बुरियां दा पिंड आ, तू फिर उत्थे जाना उन्हां कम्मां लग जाणा, जा के अपना बोरिया बिस्तर बन। तो तेरे पिंड दे कोल एक नेकां दा पिंड आ, सालहीन है और याला लोग है, उन्हें जाके वस जा तेरी बाकी जिंदगी ठीक गुजरूगी। इस तरह किया सच्चे दिलों ताए बो गया, सामान लिया चल पा और उस बस्ती तक नहीं पहुंचा तो रात मौत आ गई। बिल्कुल अखीर से रब ने बख्शन का सामान बनाता तो बस जान निकली तो डिग पिया। अल्लाह तला जी फिर तरफों एक फरिश्ता आया, पहला दो किस्म के फरिश्ते जमा हो गए, अजाब वाले आख्या इन्हें इन्ने कतल किए दुख न खाने, दूजिया ने आख्या जिदा का मर्जी से यार तौबा कर गया। तो उस वेले जरा अल्लाह तला का भेजा फरिश्ता से उन्हें आख्या अल्लाह तला का फरमान है भी जमीन जी पैमाइश कर लो किड़े पिंड वाले नेड़े है तो किड़े पिंडों दूर है एक कर लो। और बख्शन का अंदाज जो डिग्गा जरा सिर्फ एक बालिश जरा ना छाती वो उस पासे निकली जिधर नेकों का पासा उधर थोड़ा इन्ना सिर्फ अगे हो गया। अल्लाह तला ने फरमाया बख्श जो इस तो अल्लाह तला इन्ने तरीके साढ़े लिए बयान करे तो फिर असी तौबा ना आईए तो कोई गल फिर गिला अल्लाह तला का नहीं करना चाहिए, अपनी कीतियां जड़िया उन्होंने भुगतना चाहिए। तो रब तला ने हर तरीके इंसान की बेहतरी फला ली बहुत कुछ बयान किया।